जान आई लव यू जान, मेरा दिल मत तोड़ो जान। मेरा दिल को मैं समझा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आदिल तुझसे प्यार करता है। इसको, इस लड़की को 5 पैसे की अक्ल नहीं है। मेरा घर खराब हो गया, मेरी माँ बनना था इस साल मुझे, मेरी शादी का डिनाई होना, मैंने हमेशा सबका भला किया है। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, बट एक तरफ ये भी सोच रही हूँ कि खुदा ने 8 महीने की शादी में जल्दी से इसका पर्दाफाश हो गया, वरना तो ये मुझे गाड़ के ही आता। आप, मेरे पास वो मैसेजेस है कि इसने और इसकी एक गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने मुझे मारने का प्लान भी बनाया था सारी मेरी प्रॉपर्टी के लिए। मेरा दिल को मैं समझा रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आदिल तुझसे प्यार करता है, आदिल तुझसे प्यार करता है, मेरे दिल को समझा रही हूँ मैं, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आदिल ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, सिर्फ मेरे पैसों से प्यार किया। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा है, मैंने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया। कितनी शॉकिंग है कि आखिर अपना बॉय उसका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा है, दोनों में कितनी आग लगी हुई है, तड़प है। इसको, इस लड़की को 5 पैसे की अक्ल नहीं है। मेरे साथ बीवी के साथ कुछ हुआ है, इतना सीरियस मैटर, जब तक सीरियस मैटर नहीं होता पुलिस केस नहीं लेती है। मैंने उनके भी, आप वापस आ रहे हो ना जान, किसी के लिए अपना घर मत तोड़ो जान, हमारे बच्चे करते हैं जान, जान आई लव यू जान, जान आई लव यू जान, मेरा दिल मत तोड़ो जान। राखी, अगर तुम मेरे वीडियोस, मेरे कॉन्वर्सेशन मीडिया में जाके मेरी इज्जत ख़राब करोगी, राखी मैं तुम्हें पागल साबित कर दूंगा, राखी मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, राखी तुम्हें 50,000 देकर ट्रक से कुछ चलवा दूंगा, राखी मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगा, राखी तुम्हारी वीडियो वायरल्स कर दूंगा। फेयरवेल करते हैं, फेयरवेल करते हैं, आए मेरे पास, मैंने मना किया, उन्होंने ज़बरदस्ती, मैंने मना किया, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हें मना नहीं करूँगी कुछ करने के लिए, लेकिन उसका साथ छोड़ो। वो कहते हैं कि सॉरी, तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, अब मैं उसके साथ हूँ, क्योंकि उसके पास मुझसे ज़्यादा पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं। उसकी इच्छा थी इंपीरियल हाइट्स में रहने की, तो उसको इंपीरियल हाइट्स की लड़की ही मिल गई, मेरे हस्बैंड रितेश, फर्स्ट हस्बैंड। जब मुझे पता चला उसकी बीवी बच्चे हैं, तो मैंने इमीडिएटली छोड़ दिया उसको, मैंने छोड़ दिया। किसी औरत का घर मैं ख़राब नहीं कर सकती, क्योंकि ऊपर वाला का जो फटका है ना, किसी औरत का घर आप ख़राब करो, शादीशुदा औरत का, ऊपर वाले का फटका बहुत बुरा है। मेरा घर खराब हो गया, मेरी माँ बनना था इस साल मुझे, सब खत्म हो गया। आदिल, तुमने वादा किया था इस साल हम बेबी करेंगे, इस साल हम, मैं 30 रोज़े करूँगी रमज़ान में। जब मैंने शादी का अनाउंस किया, इनके अफेयर सब देख के मैंने किया था, मैं बोल नहीं पा रही थी कि मैं क्यों किया, क्योंकि मैं बोली, लड़कियों को पता चले भाई मैं शादीशुदा हूँ, कोई आदिल के साथ ऊपर डोरे ना डाले, उसे पटाए नहीं, लेकिन मेरा ही सिक्का खोटा था, वही सबको पटा रहा था, एंड उन्होंने डिनाई किया, तो मैं बहुत डर गई, मेरे को झटका लगा, उस झटके से मेरा मिसकैरेज हो गया। बहुत बड़ा दर्द है, 37 की उम्र में मेरा ये हुआ, अब मुझे नहीं पता कि मेरे इस ऑपरेशन के बाद दोबारा होगा मेरा, नहीं मुझे नहीं मालूम।